सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मार्वल्स व्हाट इफ के एपिसोड 2 के बारे में। सो मार्वल्स व्हाट इफ का एपिसोड 2 डेफिनेटली काफी ज्यादा बेटर था इसके एपिसोड 1 से। एपिसोड 2 जैसे कि एपिसोड 1 एक हाईलाइट के जैसा लग रहा था, एपिसोड 2 बिल्कुल भी वैसा नहीं लगता है और एपिसोड 2 काफी ज्यादा बेहतर है एपिसोड 1 से। इस एपिसोड में हम त'चाला को एज स्टार और फॉलो करते हैं और इस एपिसोड में काफी ज्यादा WTF मोमेंट्स भरे हुए थे। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रैवेजर्स बेसिकली त'चाला को पीटर क्विल के जगह अर्थ से ले जाते हैं और उसके बाद त'चाला एक स्टार लॉर्ड बन जाता है, जिसके बाद त'चाला यूनिवर्स का एक रॉबिनहुड बन जाता है जहां पर वो अमीरों से चुराता है और गरीबों का हेल्प करता है। इस एपिसोड में हमें बताया जाता है कि स्टार लॉर्ड एक के त'चाला ने काउंटलेस प्लैनेट्स को बचाया है और काउंटलेस स्पीसीज को बचाया है और वो एक काइंड ऑफ हीरो है पूरे गैलेक्सी का। और रैवेजर्स भी इस सीरीज में त'चाला की हेल्प करते हैं तो वो भी बेसिकली हीरोज है पूरे गैलेक्सी के। इसके अलावा व्हाट इफ का एपिसोड 2 काइंड ऑफ एक हाइस्ट एपिसोड था जहां पर त'चाला और उसकी टीम एम्ब्रेस ऑफ जेनेसिस को चुराने की कोशिश करती है कलेक्टर के कलेक्शन से। एम्ब्रेस ऑफ जेनेसिस को चुराने का प्लान नेबुला और त'चाला मिलकर बनाते हैं और इस प्लान से पहले हमें पता चलता है कि थैनोस भी अब रेवेजर्स का पार्ट है और थैनोस के माइंड को बेसिकली त'चाला ने ही कन्वर्ट कर दिया, जिसके बाद थैनोस ने अपने जेनेसाइड के प्लान को छोड़ दिया। सो ये एक काफी बड़ा WTF मोमेंट था जहां पर हम मैड टाइटन को एज अ रेवेजर देखते हैं। तो शायद ऐसा हो सकता था कि अगर इन्फिनिटी वॉर या फिर एंड गेम में त'चाला अगर थैनोस से बात करता तो शायद क्या पता इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में भी त'चाला मैड टाइटन के माइंड को कन्वर्ट कर पाता और उसे ये जेनोसाइड करने से रोक सकता था। फिर भी मुझे ऐसा लगा कि इस एपिसोड में मैड टाइटन को थोड़ा सा वीक दिखाया गया। बाकी इस एपिसोड में हम देखते हैं कि त'चाला बाकी सारे रैवेजर्स और नेबुला मिलके एम्ब्रेस ऑफ जेनेसिस को चुराने के लिए कलेक्टर के प्लैनेट पर जाते हैं और वहां से एम्ब्रेस ऑफ जेनेसिस को चुराने की कोशिश करते हैं। पर कलेक्टर के बेस पे त'चाला को एक वकांडन शिप मिलता है, जिस वकांडन शिप से त'चाला को यह पता चलता है कि उसकी फैमिली और उसके बाबा अभी तक त'चाला को ढूंढ रहे हैं। पर यांडू ने बेसिकली त'चाला को ये बोल दिया था कि उसकी फैमिली मर चुकी है, जिसके बाद हम थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं यांडू और त'चाला के बीच में। पर ये कॉन्फ्लिक्ट इवेंचुअली एपिसोड के लास्ट में ज्यादा ज्यादा खत्म हो जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि त'चाला अपने फैमिली को विजिट करता है वापस से। और इससे पहले हम देखते हैं कि त'चाला और यांडू मिलके कलेक्टर को हरा देता है। कलेक्टर को इस एपिसोड में काफी ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है, जहां पर इस एपिसोड में हमें बताया गया कि कलेक्टर ने बेसिकली गैलेक्सी में मैड टाइटन की जगह ले ली है और कलेक्टर के लिए अब ब्लैक ऑर्डर और चिल्ड्रन ऑफ थैनोस भी काम करने लगे हैं। इसके अलावा कलेक्टर के पास काफी खतरनाक वेपन्स भी हैं, जैसे कि कलेक्टर के पास हम हेला के हेलमेट को देखते हैं, इसके अलावा कैप्टन अमेरिका के शील्ड को भी देखते हैं। तो हो सकता है इस यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका और हेला को दोनों को ही शायद कलेक्टर ने या तो प्रिजनर रखा होगा या फिर वो बेसिकली मर गए होंगे। तो पर्सनली मुझे ये एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आया और इस एपिसोड के लास्ट में मार्वल स्टूडियोज ने चैडविक बोसमैन को एक ट्रिब्यूट भी दिया, क्योंकि ये परफॉर्मेंस चैडविक बोसमैन का लास्ट परफॉर्मेंस था एज त'चाला और एज स्टार लॉर्ड। इसके बाद एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि पीटर क्विल एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, जहां पर पीटर क्विल से मिलने उसके फादर यानी कि ईगो द लिविंग प्लैनेट आते हैं और इसके ऊपर बेसिकली वॉचर एक कमेंट करता है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। तो अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि पीटर क्विल और ईगो द लिविंग प्लैनेट को हम वापस से किस एपिसोड में देखते हैं। इसके अलावा व्हाट इफ की सीरीज में क्योंकि मैड टाइटन यानी कि थैनोस एक रैवजर बन चुका है, इसलिए शायद थैनोस की जगह इस सीरीज में हम अल्ट्रॉन को सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करते हुए देखेंगे और शायद इस सीरीज का मेन विलन अल्ट्रॉन ही होगा, जिसके पास सारे इन्फिनिटी स्टोन्स होंगे। सो व्हाट इफ की सीरीज अब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनते जा रही है। पहला एपिसोड मुझे खास पसंद नहीं आया था, इट वॉज ओके, पर दूसरा एपिसोड वॉज वे बेटर देन फर्स्ट एपिसोड और आई होप कि आगे भी हमें ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स देखने को मिलते रहें। बाकी आप मुझे कमेंट्स बताओ कि आपको ये दूसरा एपिसोड कैसा लगा। इसके अलावा शाम में 6 बजे मैं इस एपिसोड के डिस्कशन के लिए लाइव भी आऊँगा, तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं इस एपिसोड से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, उन क्वेश्चंस को मैं अपने लाइव स्ट्रीम में सबसे पहले लूँगा। सो बाकी इस वीडियो को इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।